नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रीट संस्कृत की शिक्षण विधियों के बारे में। और इस PDF में मेरे पास में कुल 210 प्रश्नों की ये PDF है, जिसमें आपको जो सारे के सारे जो महत्वपूर्ण संस्कृत की शिक्षण विधियों के प्रश्न है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में अब तक पूछे गए प्रश्न भी है, और आने वाले जो रीट एग्ज़ाम है 2021 का, उसमें भी इसमें से आपके कई प्रश्न हैं जो हूबहू मिलने वाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। ये वीडियो बहुत काफ़ी लंबा होने वाला है, तो हम इसको दो तीन पार्ट में करेंगे। 210 प्रश्न है, तो 50-50 प्रश्नों का ये वीडियो हम बनाएंगे। तो आइए प्रश्न नंबर एक देखते हैं। और सारे प्रश्न देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको जो आने वाले सारे जो मॉडल पेपर हैं या फिर शिक्षण वीडियो की जो बाकी के प्रश्न हैं वो भी आप देख सकेंगे। तो इस वीडियो में हम केवल 50 प्रश्नों को ही हल करेंगे। इस प्रकार 50-50 प्रश्नों के लगभग चार वीडियो बनेंगे। चारों वीडियो में आपको संस्कृत की सारी शिक्षण वीडियो के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए प्रश्न नंबर एक शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, पठन कौशल से विधि वर्तते, पठन कौशल की विधि कौन सी है? तो अक्षर विधि, शैक्षणिक भ्रमण विधि, कथन विधि, अभिव्यक्ति विधि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन, अक्षर विधि। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तावना, विषयोत्थापन, तुलना, सामान्यकरण, प्रयोगश्च, ऐसा पंचपदी कैन प्रस्तुत है? ये जो पंचपदी योजना है वो किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन है VP बोकिल, हर्बर्ट वाल्टर और न केपी, इनमें से कोई नहीं। तो हर्बर्ट की ये पंचपदी योजना है, ये प्रस्तावना, तुलना, सामान्यकरण, प्रयोग, ये सारे पंचपद जो दिए थे वो हर्बर्ट के द्वारा दिए गए थे। तीसरा प्रश्न है, यस्मिन काव्य विधि शिक्षक पूर्व शब्दानाम व्याख्या करोति तत् परम श्लोकस्य अर्थ कथयति स विधि केन नामना जयन्ते। वह कौन सी काव्य विधि है जिसमें शिक्षक पूर्व शब्दों की व्याख्या करता है और फिर श्लोक का अर्थ बताता है? दंडान्वयन विधि, खंडान्वयन विधि, व्याख्या विधि और गीत विधि। तो जो व्याख्या विधि है उसमें पहले शब्दों का अर्थ बताता है और फिर शब्द श्लोक का अर्थ बताता है, ये व्याख्या करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन में, व्याख्या विधि। चौथा प्रश्न, आचार्य भरतानुसार नाटक मंचनस्य शिक्षणस्य च प्रमुख उद्देश्यमस्ति। आचार्य भरत मुनि के अनुसार नाटक मंचन का, शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य है वो कौन सा है? विनोद जन्म, हितोपदेशनम, विश्रांति जन्म या एतानी सर्वाणी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें एतानी सर्वाणी। पांचवा प्रश्न, व्याकरण अनुवाद विधि यस्मिन विधौ स्थूलात सूक्ष्म प्रति सरलात कठिन प्रति ज्ञाताद ज्ञातम प्रति मनोविज्ञान विज्ञानम प्रति इत्यादि वैज्ञानिक नियमन पालन भवति ऐसा विधि क्या नाम न जानते। ये जो व्याकरण अनुवाद विधि है जिसकी जो सूत्र हैं वो सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मनोविज्ञान से विज्ञान की ओर, ये सारे वैज्ञानिक नियम किस विधि के अंतर्गत होते हैं? तो व्याकरण अनुवाद विधि है ये, गोपाल कृष्ण भंडारकर जो है उनके द्वारा ना दी गई थी, ये भंडारकर विधि के नाम से भी जानी जाती है, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर के द्वारा ये दी गई थी। छठा प्रश्न है, यदि शिक्षक शिक्षण सह संवेगात्मक उष्णता में संवेग उष्णता प्रतिपादन करता है, अगर उनको प्रबलन देता है तो शिक्षण कैसा होगा? तो वह शिक्षण प्रभावी होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रभावी। अगला प्रश्न है, भाषा कौशल से संपादनाएं साधनम विद्यते, भाषा कौशल का जो साधन है वो कौन सा है? तो कथा श्रवणम, पद क्रीड़ा, अभ्यास पठनम। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें अभ्यास। नेक्स्ट है, पद्य शिक्षण से कस्मिन विधौ प्रश्न व्याकरण संबंधी भवन्ति, पद्य शिक्षण की कौन सी विधि में प्रश्न व्याकरण से संबंधित होते हैं? तो खंडान्वयन विधि, दंडान्वयन विधि, भाष्य विधि, तुलना विधि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दंडान्वयन विधि। सामाजिक दृष्टिकोण शिक्षा या प्रमुख उद्देश्यम अस्ति, उद्देश्यम वर्तते, सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। कंठस्था तो या विद्या कश्या शिक्षण पद्धत्या मूल स्रोत अस्ति, कंठस्था, तो कंठस्थ कौन सी विद्या में, जो विधि में, शिक्षण विधि में कंठस्थ किया जाता है विद्या को? तो वो होती है पाठशाला विधि। पाठशाला विधि में जो ये आश्रम मठ, इनमें पहले प्राचीन समय में श्लोकों को इनको कंठस्थ करवाया जाता था, तो ये पाठशाला विधि में होता है।
ग्यारहवा प्रश्न है, अधोक्ता विधि काठिन्य निवारण विधि इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। किस विधि को काठिन्य निवारण विधि के नाम से भी जाना जाता है? उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि, ये उपरोक्त तीनों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों को काठिन्य निवारण विधि के नाम से भी जाना जाता है। उद्बोधन विधि है, प्रवचन विधि है और स्पष्टीकरण विधि है। बारहवा प्रश्न है, उच्चारण शिक्षण है, अनुवाचन, प्रश्नोत्तर, काठिन्य निवारण च सोपान वासरे शिक्षण कह विधि अनुसरित है। ये जो उच्चारण दे रखे, उच्चारण शिक्षण, अनुवाद, अनुवाचन, प्रश्नोत्तर, काठिन्य निवारण, तो ये सोपान की शिक्षण विधि के हैं। तो ये जो शिक्षण विधि है वो है परिष्कार विधि। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें परिष्कार विधि। तेरहवा प्रश्न, पाठ्यपुस्तक से प्रारंभ है, छात्राणाम पूर्व ज्ञान से दरित प्रश्न कथ्यते। तो पाठ्यपुस्तक प्रारंभ करने से पहले छात्रों से पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों को क्या कहते हैं? प्रस्तावना प्रश्न, इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसको जो प्रस्तावना प्रश्न कहा जाता है। आगे के आने वाले वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चौदहवा प्रश्न है, भाषा शिक्षण कौशलेषु अंतिम कौशलम अस्ति। भाषा शिक्षण का जो अंतिम कौशल है वो कौन सा है? तो LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, लेखनम है जो करेक्ट आंसर होगा, लेखनम। बी ऑप्शन जो इसका सही उत्तर है। पंद्रहवा प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण विधिषु ऐसा विधि न परिगणित है। इनमें से कौन सी विधि है जिसको हम व्याकरण शिक्षण विधि के अंतर्गत न गिना जाता है? अभिनव, अभिन्न विधि, अभिनय विधि, आगमन विधि, निगमन विधि और प्रत्यक्ष विधि। तो इसमें से जो अभिन्न विधि है वो इसमें व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत नहीं गिनी जाती हैं। सोलह प्रश्न है, अध्यापक के काव्यमय वातावरण कक्षा पाठ योजना है अस्पष्ट। अध्यापक के द्वारा काव्यमय वातावरण किस योजना के अंतर्गत स्पष्ट होता है? तो वो होता है पद्य पाठ योजना के अंतर्गत। जो पद्य श्लोक वगैरह होते हैं, पद्य कविता पाठ होते हैं, उसमें ये काव्य का वातावरण होता है। सत्रहवा प्रश्न है, विचार संप्रेषण से प्रभावी माध्यम अस्ति। विचार विनिमय का जो प्रभावी माध्यम है उसको क्या कहते हैं? तो उसको भाषा कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें भाषा। अठारहवा प्रश्न है, सामान्यतः अनुवाद से कति भेद सन्ति भवन्ति। सामान्यतः अनुवाद से कति भेद, अनुवाद के कितने भेद है? तो अनुवाद तीन भेद है। कितने भेद है? तीन भेद है। अगला प्रश्न है, NCERT इति संस्थान कति कस्मिन क्षेत्र कार्य करोति। NCERT किस क्षेत्र में जो अपना कार्य करती हैं, किस क्षेत्र में अपना कार्य कर रही हैं? तो ये जो कार्य कर रही हैं वो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद इस संस्था के रूप में कार्य कर रही हैं, इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। बीसवा प्रश्न है, अधिवक्ता परीक्षा मौखिक परीक्षा अंक नास्ति। इनमें से कौन शलाका परीक्षा है, शास्त्रार्थ परीक्षा है, लेकिन साक्षात्कार भी है, लेकिन नीलपत्र परीक्षा निर्माण परीक्षा। तो नीलपत्र पर आधारित जो परीक्षाएं होती है वो मौखिक परीक्षा में अंतर्गत शामिल नहीं होती हैं। इक्कीसवां प्रश्न है, निम्नलिखित सुक्ति समुच्चय रिक्त स्थान पूरित। सुक्ति का जो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, न ही ज्ञानेन रिक्त स्थान पवित्र मिह विद्यते। तो इसका उत्तर हो जाएगा सदृश्यम। सदृश्यम है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाईसवां प्रश्न है, व्यवहार कौशलम इतस्य गुणस्य ग्रहणम कस्माद विधेय भवति। तो व्यवहार कौशल किस इस गुण का जो ग्रहण है वो किस विधि में होता है? तो यह होता है प्रत्यक्ष विधि में। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि। 23वां प्रश्न है, प्रोफेसर VP बोकिल महोदय कह विधि प्रतिपादित। प्रोफेसर VP बोकिल महोदय के द्वारा कौन सी विधि दी गई है? तो प्रत्यक्ष विधि उनके द्वारा दी गई थी। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्बर्टी पंचपदी स्तस्य विधि विकसित रूप किम। हर्बर्ट की जो पंचपदी योजना विधि है इसका विकसित रूप कौन सा है? तो जो मूल्यांकन विधि होती है वो हर्बर्ट की पंचपदी जो विधि है उसका विकसित रूप होता है। 25वां प्रश्न है, भावाभिव्यक्ति सर्वोत्तम साधन विद्यते। तो भावाभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन कौन सा होता है? तो अपने भाव को अभिव्यक्त करने की जो सर्वोत्तम साधन होता है वो भाषा होती है अपनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें भाषा। प्रश्न नंबर 26, संस्कृत भाषा या शिक्षणाय कौशला नाम स्वाभाविक क्रम विद्यते। अगर आपको ये भाषा कौशल चारों याद है तो आपके रीट में कम से कम तीन प्रश्न है जो आपके सही होने वाले हैं। तीन नंबर आपको इस भाषा कौशल से, इस चार शब्दों से, LSRW, इनसे आपको जो तीन प्रश्न जो देखने को मिलेंगे, आप इन LSRW को अच्छी तरीके से तैयार कर लें। तो इनका स्वाभाविक क्रम क्या है? तो LSRW
सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। श्रवणम, भाषणम, लेखनम, पठनम और लेखनम। लेकिन जो मोंटेसरी है, मैडम डॉक्टर मारिया मोंटेसरी, उन्होंने कहा कि इनका जो क्रम है वो ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि LSWR होना चाहिए, बालक, लिखना, सुनना और सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, ऐसा इसमें क्रम होना चाहिए। LSRW की जगह WR उन्होंने बताया है। 2700 प्रश्न, संस्कृत शिक्षण से प्रयास स्यात, तो संस्कृत शिक्षण में प्रयास कैसा होना चाहिए? तो प्रयास बहुमुखी होने चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुमुखी। अभिनय कति विद्या भवति, तो अभिनय की कितनी विधियाँ हैं? तो अभिनय की चार विधियाँ हैं, चतुर्विधा अस्ति। तो अभिनय की जो नाटक की चार विधियाँ हैं। 29वां प्रश्न है, श्रव्य दृश्य साधन सु प्रमुख साधन अस्ति। श्रव्य दृश्य साधन में प्रमुख साधन कौन सा है? आकाशवाणी श्रव्य साधन है, पुस्तकम ये दृश्य साधन है, श्याम फलक दृश्य साधन है। इसमें दूरदर्शन में जो श्रव्य दृश्य साधन के अंतर्गत आएगा, दूर दृश्य साधनम सर्वोत्तम साधनम अस्ति। तो दृश्य साधनों में जो सर्वोत्तम साधन है वो कौन सा है? श्याम फलक, पुस्तक, चलचित्र, नाटकम। तो इसमें श्याम फलक करेक्ट आंसर है। पुस्तक पुस्तक दृश्य सामग्री है, चलचित्र श्रव्य दृश्य सामग्री और नाटक भी श्रव्य दृश्य सामग्री है। 31वां प्रश्न है, पाठ्यपुस्तक से उद्देश्यानि सन्ति, पाठ्यपुस्तक का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालका नाम ज्ञान से सीमाया विस्तार, ये भी है। व्यवहारिक ज्ञान से संपादना प्रेरणा, ये भी है। छात्र नाम कल्पना शक्ति विकास, छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना। तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त तीनों। प्रश्न नंबर 32, 32वां प्रश्न है, संस्कृत शिक्षण से मूल्यांकन से साधना भूता भवंती। तो संस्कृत शिक्षण में जो मूल्यांकन का जो प्रमुख साधन है वो कौन कौन से हैं? अब बुद्धि परीक्षा ये भी है, अभिरुचि परीक्षा है, आसक्ति परीक्षा है। तो तीनों ही तीनों जो करेक्ट आंसर है, चौथा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, लघु काष्ठ खंड से व्यवहार कुत्र क्रियते, लघु काष्ठ खंड से व्यवहार कुत्र क्रियते। तो ये लघु काष्ठ खंड से जो व्यवहार होता है वो अंत्याक्षरी परीक्षण में होता है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 34वां प्रश्न है, इसमें उपचारात्मक शिक्षण से कर्तुक शक्यते, उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा किसके द्वारा किया जाता है? तो वो मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। 35वां प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा या प्रकार भवंती, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रकार कौन सा है? बहु समाधान प्रश्न ये भी है, रिक्त स्थानों की पूर्ति भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, और सत्य असत्य प्रश्न जो होते हैं वो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में ही आते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये 200 प्रश्नों की मेरे पास में PDF है, टोटल 200 ऐसे मेरे पास में 210 प्रश्न हैं। इनको 50-50 प्रश्नों की वीडियो के साथ में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने उन सभी मित्रों के साथ शेयर करें जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। छात्र जो ज्ञानात्मक पक्ष क्षेत्र होता है उसकी परीक्षा किसके द्वारा की जाती है? अध्ययन के द्वारा, परीक्षा के द्वारा, पाठ्यपुस्तक के द्वारा, भाषण के द्वारा। तो ज्ञानात्मक पक्ष की जो परीक्षा है, परीक्षण है, वो परीक्षा के द्वारा किया जाता है। संस्कृत भाषा शिक्षण विकास भवति, संस्कृत भाषा शिक्षण का विकास होता है, तो यह कौशल का विकास होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कौशल। 38वां प्रश्न है, बालकेषु कल्पना शक्ति विकास भवति, तो बालकों में कल्पना शक्ति का विकास कैसे होता है? तो कथा कथन जो विधि होती है उसमें बालकों में कल्पना शक्ति का विकास होता है। संस्कृत शिक्षण, संस्कृत भाषा शिक्षण अनुवाद विधि का उच्यते, ये रिपीट क्वेश्चन है। संस्कृत भाषा शिक्षण में जो अनुवाद विधि है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर के द्वारा जो विधि दी गई थी, भंडारकर विधि के नाम से इसको जाना जाता है, इसको अनुवाद विधि के नाम से भी जाना जाता है, इसको व्याकरण अनुवाद विधि के नाम से भी जाना जाता है, और इसी विधि को अंग्रेजी में ग्रामर ट्रांसलेट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। 40वां प्रश्न, कुशाग्र सामान्य मंदबुद्धि छात्र नाम कृत्य का सिद्धांत असंयुक्त है, आपकी कक्षा में जो कुशाग्र बुद्धि, सामान्य बुद्धि और मंद बुद्धि के छात्र हैं तो उनके लिए कौन सा सिद्धांत उपयुक्त रहेगा? तो ये व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है, संस्कृत भाषा शिक्षण प्रथम मौखिक कार्य तत् लिखित कार्य च भवेत इत्यत्र संस्कृत भाषा शिक्षण से सिद्धांत कह, इसमें क्या होता है कि शुरू में उसको मौखिक कार्य बताया जाता है, उसके बाद में लिखित कार्य होता है, तो यह कौन सा संस्कृत भाषा शिक्षण का सिद्धांत है? तो ये होता है अनुपात क्रम का सिद्धांत, अनुपात से क्रमश्य सिद्धांत जो होता है, अनुपात क्रम का सिद्धांत,
उसमें होता है पहले मौखिक कार्य दिया जाता है, फिर उसके बाद में लिखित कार्य दिया जाता है। 42वां प्रश्न आपके सामने, पूर्व ज्ञानात परम नवीन प्रदेयम इत्यत्र शिक्षण शिक्षांतस्य किम सूत्र है। पूर्व ज्ञान पर नवीन ज्ञान को प्रदान करने के लिए कौन सा शिक्षण सूत्र है? तो ज्ञानात अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात की ओर जो शिक्षण सूत्र है वो इसमें आता है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43, गुरु मुखम इति साधने विद्यते। तो ये श्रवण कौशल का जो साधन है, गुरुमुख, गुरु जी का जो मुख होता है वो श्रवण कौशल के रूप में काम में आता है। अगला प्रश्न, संस्कृत अध्यापन से श्रव्यदृश्य साधन विद्यते। संस्कृत अध्यापन में श्रव्यदृश्य, सुनने और देखने में कौन सा साधन है जो काम आता है? प्रतिकृति, श्यामपट, दूरदर्शनम, ध्वन्याभिलेख। तो देखो, दूरदर्शन में जो श्रव्यदृश्य ऑडियो विजुअल टीचिंग एड के अंतर्गत आता है, प्रतिकृति जो मॉडल होता है वो केवल वास्तविक वस्तु होती है, वो दृश्य होती हैं, और श्यामपट दृश्य सामग्री है, अभिलेखनम ये जो है वो श्रव्य सामग्री है, जो टेप रिकॉर्डर होता है इसको ध्वन्याभिलेख कहा जाता है। 45वां प्रश्न, संस्कृत भाषा शिक्षण समय नगरी से भौगोलिक की स्थिति मवगंतुकस्य अधिगम साधने से प्रयोग करतु सक्य। संस्कृत भाषा शिक्षण में नगर की जो भौगोलिक स्थिति है उसका बताने के लिए कौन सा शिक्षण साधन है जो काम में लेंगे? तो नगर की जो भौगोलिक स्थिति है वो हम मानचित्र के द्वारा अच्छी तरीके से बता सकते हैं, तो मानचित्र इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाठ्यपुस्तक से स्थान शिक्षण महत्वपूर्ण विद्यते। तो पाठ्यपुस्तक का स्थान शिक्षण में महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाल का नाम ज्ञान से सीमा विस्तार, बालकों की ज्ञान की सीमा का विस्तार करना, व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना और छात्रों में स्वाध्याय हेतु रुचि उत्पादन करना, उपरोक्त तीनों सही उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 47 से, शिक्षण विधि नाम समीकरण शिक्षा स्तर से उन्नति करने च सहायक भवती। शिक्षण विधि में समीकरण शिक्षा स्तर के उन्नतिकरण में कौन सहायक है? तो वो होता है उन्नति में जो बालकों का मूल्यांकन आवश्यक है। आगे की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 51 से 100 तक के प्रश्नों को हल करेंगे, तो आप अगला वीडियो देखना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पुराने सभी वीडियो की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और इन सभी को एक प्लेलिस्ट बनाकर भी उसमें डाल दिया जाएगा, ताकि आपको सभी प्रश्नों की वीडियो एक साथ मिल सके। तो आप प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आपको एंड स्क्रीन पर, तो आप वहाँ से सारे वीडियो एक साथ देख सकेंगे। प्रश्न नंबर 48 है, छात्रानाम ग्रह कार्य से मूल्यांकनम भवितुम शक्नोति। तो छात्रों में जो ग्रह कार्य दिया जाता है छात्रों को, वो मूल्यांकन किस प्रकार होता है? तो वो आंतरिक मूल्यांकन होता है। छात्रों को जो ग्रह कार्य दिया जाता है उससे बालकों में आंतरिक मूल्यांकन होता है। शलाका परीक्षा भवति, शलाका परीक्षा में क्या होता है? शलाका परीक्षा मौखिक परीक्षा के अंतर्गत आती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मौखिक परीक्षा। और नेक्स्ट है, छात्राणाम दैनिक कार्याणाम सर्वासाम परीक्षाणाम च मूल्यांकनम भवेत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतत मूल्यांकन। दोस्तों, आपसे एक प्रश्न है कि संस्कृत के त्रिमुनि किसे कहा जाता है? संस्कृत में त्रिमुनि किसे कहा जाता है? संस्कृत के त्रिमुनि कौन कौन है, उनके नाम आपको कमेंट करना है। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, प्रश्न नंबर 51 से 250 प्रश्न एक साथ छप गए देख सकते हैं, तो आपको जो इस वाले 50 प्रश्न का उत्तर भी कमेंट करना है। तो ये 250 प्रश्न एक साथ छपे पद में कौन सा है जो सहायक नहीं है, तो इसका उत्तर आपको जो कमेंट करना है। और प्रश्न नंबर 51 से बाकी आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जल्दी मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।